ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने नादोन चौक से बस स्टैंड तक लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क नालियों तथा फुटपाथ के कार्य तथा सड़क के दोनों ओर राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के कार्य का विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बिजली तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सड़क के दोनों तरफ बेतरतीब तरीके से लटकी बिजली की तारों, खंभों व पेयजल पाइपों को हटाने के निर्देश दिए ताकि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। ये इसमें सामान रख दिया जाता है, मेरे पास में कई कंप्लेन आते हैं, आज भी आई है, फिर वो आप मतलब पहले वहाँ लोग सामान रख देते हैं, तो ये रोज ये काम नहीं होना चाहिए कि रोज MC वाले हटाने जा रहे हैं या प्रशासन हटाने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन कि उसको कैसे अवॉइड किया जाए, मतलब वहाँ रेलिंग लगा सकते हैं या बीच में मतलब 8-8, 5-7 फीट तक जो भी दुकानों के सामने छोड़ देते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहाँ लगा देते हैं, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या बनाने की बोला है, तो फिर 10 दिन बना रहे हैं। जो टैक्सी स्टैंड है वो कह रहे हैं कि 200 टैक्सी हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह का मैंने साथ बात की नहीं है, वो एरिया मतलब इसमें आया नहीं था डिस्कशन में, अभी बात ही कर रहे थे कि इतने सारे टैक्सी वाले भी हैं, हम लोग सभी के साथ बैठेंगे क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ द मोटो, तो उनके साथ बैठेंगे तो किस तरीके से कहाँ ऑप्शन है, उनका क्या व्यू है, वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ करके। अब जैसे इस वाले ऑप्शन को हम लोग रोड वाले को जैसे कटिंग करके कि इसको स्लैब डाल के जैसे फ्लाईओवर टाइप में छोटा जैसे पिलर पर करके रोड को ग्राउंड पर ले जाना, वो सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में इनसे क्या कर सकते हैं, उनके साथ में बैठा नहीं, बैठने वाले तो राउंड का मार्केट का राउंड किया अपने ग्राउंड में, अभी आप एक तरह का बार बार फटता है, 2-2 महीने के बाद क्या कारण रहता है? डेफिनेटली जो हवा के कारण सारी चीज़ें हैं, बीच में आप लोग कंप्लेन करते हो सब तिरंगा फट गया उसमें करके, तो हम बीच में रिप्लेस भी करते हैं, उसकी कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है डिफरेंट उसमें करके लगाते भी हैं, शिफ्ट भी करते हैं, कई बार हटा भी लेते हैं उसमें करके, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि किस बजट में मैनेज कर पाएँ, जैसे उस टाइम है तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, बीच में हमने हटा भी दिया था फिर लगा भी दिया था नया मंगा के, तो क्वालिटी की कमी रहती है और जगह भी है ऊंचाई होती है? नहीं नहीं, हर जगह एयर की स्पीड अलग अलग रहती है, मतलब कई जगह खुले में है तो खुले में यूनिफॉर्म स्पीड आती है, कई बार वो बीच में रहती है तो घूम के किस तरह से उसका बनता है, क्वालिटी को लेकर ऐसा।